बेटा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इससे पहले मैंने आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया था और एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्रीकल्चर की बात करें तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर और ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दिस इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आपने प्रीवियस चैप्टर में इकोनॉमिक्स में किया होगा कि सेक्टर्स आर थ्री टाइप फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी तो पहला तो हमने एग्रीकल्चर देख लिया कि दैट वॉज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर अब ये जो हमारा मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री है दिस इज इ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पर हम प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं उस रॉ मटेरियल को मशीन की मदद से कंप्लीट या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं उस फाइनल गुड को कि भाई ये सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल टमेटो कहाँ उगते हैं प्राइमरी सेक्टर में खेतों में खेतों से प्राइमरी सेक्टर से अगर हम टमेटो की बात करें तो टमेटो फैक्ट्रीज में हम भेजेंगे जहाँ पे सॉस बनता है विद द हेल्प ऑफ मशीन हम सॉस बनाएंगे अब जब सॉस बन गया कैचअप बन गया तो कैचअप कहाँ बना सेकेंडरी सेक्टर में बना ठीक है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या था टमेटो तो टमेटो टू टमेटो सॉस ये हम बोल सकते हैं टोमेटो रॉ मटेरियल टोमेटो सॉस सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है कॉटन टू कॉटन शर्ट कॉटन फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट था और कॉटन शर्ट सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है तो यहाँ पे बेसिकली एक बच्चे की स्टोरी स्टार्टिंग में दे रखा है कि वो बच्चा बाजार जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भाई बाज़ार में चीज़ें कैसे फ्लारिश्ड है इतनी सारा फ्लॉडेड कैसे हैं तो उसके पापा जी बताते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं बेसिकली मार्केट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो आप देख रहे हो वो मशीन के द्वारा लार्ज क्वान्टिटी में बनती हैं इंडस्ट्रीज़ में और जो दिया वगैरह हैं वो आर्टिसन बनाते हैं घरे घरों में जहां पे भी ये सब चीजें बनती हैं तो बेसिकली यहां पे हम बात करेंगे मैनुफेक्चरिंग uh, इंडस्ट्री का डेफिनेशन का कि डेफिनेशन पे है तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हमारा ये है कि प्रोडक्शन ऑफ अ गुड इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट इज कॉल मैन्युफेक्चरिंग मतलब किसी भी गुड्स गुड्स मतलब वस्तु वस्तु मतलब चीज चीजों का प्रोडक्शन एक लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की मदद से किसी उस चीज़ को किसी वैल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना इस कॉल मैन्युफैक्चरिंग अभी मैंने एग्जांपल दिया टमेटो क्या हुआ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री की मदद से हमने क्या बना दिया उसको टमेटो कैचर कॉटन से कॉटन शर्ट ठीक है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे इसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बो, बोलते हैं बेटा ध्यान से याद रखना इसे ठीक है अच्छा फिर यहाँ पर इन्होंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि डू यू नो दैट द पेपर इज मेनुफैक्चर फ्रॉम द वुड शुगर फ्रॉम शुगर केन आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एल्युमिनियम आयरन एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड हमें पता है बॉक्साइट किसका ओर है बॉक्साइट इज इज़ एन ओर ऑफ़ एल्यूमिनियम ठीक है एल्युमिनियम जो हमारे पेपर में फॉइल में रोटियाँ लपेटते हैं या एलुमिनियम का कोई भी एक uh, इंस्ट्रूमेंट होता है रॉकेट में यूज़ किया जाता है प्लेन में यूज़ किया जाता है तो क्या एलुमिनियम हमें अर्थ से हम क्या ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं निकालते हैं नहीं भाई स्टार्टिंग में वो एक पत्थर की तरह होता है उस पत्थर को हम बॉक्साइट बोलते हैं पीले रेडिश कलर का होता है ठीक है उससे हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग साइंस आप लोगों के पास है बिल्कुल उसमें एलुमिनियम हम पढ़ते हैं अच्छा डू यू नो दैट सम टाइप ऑफ क्लोथ आर मैनुफैक्चर फ्रॉम यान यान मतलब होता है बेटा धागा विच इट्स सेल्फ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो यान से बनते हैं धागे से बनते हैं और धागा क्या है धागा इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडस्ट्री से ही धागे बनाए जाते हैं सिल्क से सिल्क वाम सिल्क वॉर्म बनाने के बाद हम यान क्रिएट करते हैं यान कैसे बनेगा यान भाई इंडस्ट्रीज़ में बनेगा कई लोग घरों में भी यान बनाते हैं बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है पहले धागा बनेगा धागे से फिर साड़ियाँ कपड़े वपड़े जो भी हैं वो बनता है सेम उसी ढंग से कॉटन से कॉटन यान बनता है देन यान से हमारे कपड़े बनते हैं यान का मतलब धागा होता है ठीक तो है तो पीपल जो एम्प्लॉयड हैं सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें वो हम क्या करते हैं हमें पता है अभी जस्ट मैंने आपको बताया हुआ कि पहले प्राइमरी मटेरियल वो लोग लेते हैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और वर्कर जो एम्प्लॉयड होते हैं स्टील फैक्ट्रीज़ में आ, कैन ब्रीवरीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रेकरीज बेकरीज एटसेट्रा फॉल इन टू दिस कैटेगरी मतलब जो भी इंडस्ट्री वर्ड जहाँ पे भी है ना इट इट दे आर द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टिवि सेकेंड्री एक्टिविटी और द इंडस्ट्रियल सेक्टर और द मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री ठीक है अब यहाँ पे बेसिकली हम मेनली कंसर्न क्या करेंगे मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कि वो विच फॉल इन जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है हमें अच्छे ढंग से पता आ गया अच्छा अब किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होता है ना वो मेजर किया जाता है उसके इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से कि किस कंट्री में कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ है तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये बेसिकली पाँच नंबर का क्वेश्चन बेटा आ ही जाता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस पार्ट को मोटा मोटा पाँच नंबर का क्वेश्चन आप करेंगे करेंगे इसको याद कर लो वट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एडवांटेज कर लो इंपॉर्टेंस कर लो डेवलपमेंट कैसे होता है किसी कंट्री का वो कर लो ये इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है तो मोटे मोटे हम पाँच पॉइंट बनाएंगे कैसे हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर द बैकबोन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री ठीक है किसी भी कंट्री का बैकबोन बोला जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को अब हम पहला पॉइंट देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ अर इकोनॉमी तो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी आप पहला हेडिंग डालेंगे पहले आप ये हेडिंग डालेंगे बाद में ये पहला एक्सप्लेनेशन करेंगे ठीक है इस चीज़ को हमेशा याद रख लेना जैसा बता रही हूँ अगर वैसा कर लोगे ना मोटे मोटे पाँच में से पाँच नंबर आ जाएंगे दोबारा बोल रही हूँ ये आपका बेटा फर्स्ट हेडिंग बनेगा बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी सिर्फ हेल्प ही नहीं करती एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में बल्कि ये बेसिकली हमें पता है कि इंडिया इज़ एग्रीकल्चर कंट्री तो एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंडेंट है ना वो डिपेंडेंस रिड्यूस है क्योंकि लोग एग्रीकल्चर से अब हट करके कहाँ जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो इट रिड्यूज द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर बस इतना याद रखना ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर सिर्फ एग्री इंडस्ट्री को ही मॉडर्नाइज नहीं कर रही है एग्रीकल्चर को ही मॉडर्नाइज नहीं कर रही है बल्कि हैवी डिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर पे है उसे रिड्यूस कर रही है अब बोलोगे एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइज कर रही कर रही है ना अब खुद देखो ना पहले हम मैन्योर यूज़ करते थे नाव वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वेजिसाइड्स घर में तो बनाते नहीं हैं आप और मैं कहाँ बनेगी इंडस्ट्री में बनेगी ना तो इस ढंग से हम मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं अच्छा सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे क्या सेकंड पॉइंट बोली है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर अ एरिडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो आपका सेकंड हैडिंग बनेगा ये एरिडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं बताने वाला कि हेडिंग क्या बनेगा कैसे एक्सप्लेनेशन होगा लोग बोल देते हैं हेडिंग बनाओ हेडिंग बनाओ यहाँ बता रही हूँ सीख लो ध्यान से ठीक है और हम लोग भी बींग टीचर क्लियरली जो बोर्ड में हम चेकिंग करते हैं तो बेसिकली ऐसे ही करते हैं हेडिंग अगर बच्चे ने पाँच लिखा है एक दो तीन चार हेडिंग एंड बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है तो हेडिंग पे टक 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 किया पाँच पॉइंट मोटा मोटा दे दिया और एक सरसरी भरी नजर से हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया एक्सप्लेनेशन में अगर हल्का फुल्का अगर आप मिस्टेक भी करते हो ड मैटर फिर भी हम पाँच नंबर दे देते हैं ठीक है अब ये मत बोला नहीं हमारे टीचर्स नहीं देते हैं ठीक है हैं तो हम भी टीचर ना आगे बढ़ो फिर यहाँ पे आ जाता है एरिडिकेशन ऑफ़ अनएम्प्लॉय एरिडिकेशन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है तो भाई एरिडिकेशन तो हम करेंगे करेंगे ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रख लेना ठीक है तो ये सेकंड पॉइंट बन गया ये आपकी सेकंड हेडिंग हो गई थर्ड एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपेंड द ट्रेड एंड कॉमर्स तो ट्रेड एंड कॉमर्स आपका थर्ड पॉइंट बनेगा जाहिर सी बात है चीज़ों का एक्सपोर्ट होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा बढ़ेगा और ट्रेड एंड कॉमर्स बनेगा तो भाई यहाँ पर फॉरन एक्सचेंज हमारा जो नीड होती है वो बढ़ी की बढ़ी करेंसी बाहर की आएगी करेंसी बाहर की आएगी तो भाई अमेरी तो आएगी आएगी तो ये तीसरा पॉइंट हो गया ठीक है अच्छा अब अगर हम बात करते थर्ड पॉइंट के बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट बनेगा वो हमारा ये पॉइंट होगा क्या यहाँ पे प्रॉस्पेरिस हायर प्रॉस्पेरिस आप फोर्थ पॉइंट बनाएंगे अब कंट्री जब रॉ मटेरियल को बड़े तगड़े तरीके से फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगी तो हाई हा हमारे यहाँ पे पैसे आएंगे पैसे आएगी तो प्रॉस्पेरिटी होगी अब प्रॉस्पेरिटी होगी तो खुशहाली आएगी ठीक है तो प्रॉस्पेरस तक पता है आप फोर्थ पॉइंट रखो यहाँ से यहाँ क्योंकि बुक में चार ही पॉइंट देख रही है और चौथा पॉइंट कर दो यहाँ पे वॉट यहाँ आप चौथा पॉइंट करेंगे आप इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ एज क्विकली एज पॉसिबल यहाँ पे पता है एक पॉइंट नहीं दे रखा है आपका और इस पॉइंट रिड्यूस यू नो डाइवर्सिटी और कास्ट uh, सिस्टम uh, वाला भी एक पॉइंट होता था जो कि यहाँ पे नहीं रीजनल डिस्पैरिटीज़ का हमने पॉइंट पढ़ा हुआ था जो कि आपका पॉइंट नंबर सेकंड में ही आएगा इसको आप पांचवा पॉइंट बना लोगे दोबारा बता रही हूँ देखो क्या है पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा बैकबोन ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट पॉइंट सेकेंड आप कर लो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री तक सेकेंड पॉइंट कर लो ठीक है एरेडिक्शन ऑफ एरेडिक्शन एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा थर्ड जो आपका है सॉरी फॉर फॉर्मलिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा थर्ड पॉइंट रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो क्या होंगी बैकवर्ड एरियाज़ में वो डाउन जाएंगी वो ख़त्म होंगी अब बोलोगे रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या होती है देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटा जहाँ पे भी हम इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं ना वो बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ में जंगलों के पास एक हिंड्रोलैंड में होती हैं वीरानी में जा करके अब वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो काम करेंगे हमें पता है भाई वर्किंग एन्वायरमेंट में जहाँ पे भी हम काम करते हैं दो लोग हमारे दोस्त बनते हैं उनके साथ हम मिलजुल के खाना खाते हैं तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है ना वो कम होंगी ठीक है तुम उस रीजन के हो मैं इस रीजन की हूँ तो वो जो एक जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कम होगा तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हमारी डाउन होंगी तो पहला हमारा बैकबोन हो गया दूसरा हमारा इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया थर्ड हमारा रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो गई ठीक है बेटा अच्छा फोर्थ हमारा बेसिकली ये हो जाएगा ट्रेड एंड कमर्स हो जाएगा फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ हमारा प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा ठीक है मोटे मोटे पांच पॉइंट हो गए रट लो इन पॉइंट्स को दोबारा बोल रही हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हंड्रेड एंड वन परसेंट क्वेश्चन आता ही आता है ये थ्री हो गया ये टू हो गया ऊपर वाला वन हो गया ठीक है इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती ये पॉइंट आप लोग कर लेंगे अच्छे बच्चे हो आप लोग आगे देखो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर दे मूव हैंड इन हैंड फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन मेजर टू द एग्रीकल्चर पाई रेजिंग इन प्रोडक्टिविटी आप ये नहीं बोल सकते ना कि एग्रीकल्चर इज टोटली इंडस्ट्रियल एरिया से या इंडस्ट्री से टोटली totally डिफरेंट है नहीं भाई नहीं डिफरेंट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक दूसरे के एक जिसे बोलते हैं ना कि सिक्कों के दो पहलू हैं एक दूसरे के यू uh, नो you know, एक मूचअली काम करते हैं मिलजुल के काम करते हैं ठीक है क्योंकि एग्रीकल्चर क्या होती है एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर से बहुत सारी चीज़ें हैं रॉ मटेरियल हैं जो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री क्या करती है भाई एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को प्रोडक्ट को फॉर्म करती है जैसे हम पीवीसी पाइप्स हो गया मशीन्स हो गया ट्रैक्टर हो, हो गया टूल्स हो गया क्यों करता है एग्रीकल्चर के लिए भाई इंडस्ट्रीज तो करती हैं ना तो डेवलपमेंट और जो कॉम्पटिटिवनेस है मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री का वो सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उनको इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है और इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर सपोर्ट कर रहा है तो भाई दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर हम इस आज की दुनिया प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत है कॉम्पिटेटिव होने की ज़रूरत है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर बहुत तड़े से बूस्ट हो रहा है अब सेल्फ सफिशिएंट होना अपने आप में ही इनफ नहीं है ठीक है मतलब सेल्फ सफिशिएंट हम हो गए हमारी इंडस्ट्री हमें सब कुछ प्रोवाइड करना तो दस नॉट सफिशेंट हमारा जो बेसिकली गुड्स हैं वो मस्ट भी उनका जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल मार्केट के लायक होना चाहिए तभी हम लोग कंपीट कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अच्छा दूसरी चीज़ एक बात याद रखना इसके बाद ना दूसरी बुक में ना वो एक डिफरेंस एग्रो एग्रोमेशन इकोनॉमी वगैरह का कॉन्सेप्ट है एग्रोमेशन इकोनॉमी वगैरह का कॉन्सेप्ट है नहीं करना नहीं करना अभी मेरे कुछ नोन में बच्चे हैं उन लोगों की मैम ने उनका पूरा का पूरा पेश करवाया है ग्लोबल Uh, जो इम्पैक्ट होता है एग्रीकल नॉट एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रीज़ का डाटास करवा रखें रॉ मटेरियल्स वगैरह का करवा रखा है भाई वो कुछ नहीं करना बेटा जितनी चीज़ें करवा रही हूँ सिर्फ उतना ही करना फ़ायदे में रहोगे फालतू का क्यों पढ़ना ठीक है यहाँ पे कई बच्चे डायलॉग मारेंगे मैम फालतू का क्या पढ़ना है पढ़ाई भी फालतू की होती है फालतू की इन द सेंस ओवरबर्डन क्यों होना ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करेंगे ये क्लासीफिकेशन हम लोग कर लेते हैं और बाकी का लेक्चर हम बाद में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री को कई कैटेगरी में डिवाइड करेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड रॉ मटल मतलब कि इंडस्ट्री को जो रॉ मटली प्रोवाइड करती है एक तो जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है एक मिनरल पे बेस्ड होती हैं तो ऐसी इंडस्ट्री दोज इंडस्ट्रीज विच आर गेटिंग देयर रॉ मटरी फ्रॉम एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री हो गई वुलन इंडस्ट्री हो गई जूट सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई मतलब ये यहाँ पर जो इन सब चीज़ों से काम होता है ना इन सब चीज़ों के काम करने के लिए वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं तो इसीलिए इंडस्ट्री को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं से मिनरल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जैसे यूटेंसल्स बना रही हैं घर बना रही हैं टूल्स बना रही हैं फार्मिक्यूटिकल कंपनीज हैं दे आर टोटली बेस्ड ऑन मिनरल बिकॉज भाई उनको अपनी चीजों को बनाने के लिए मिनरल पे डिपेंड रहना पड़ रहा है तो इसलिए वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहती हैं कहलाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल मेन रोल किसी भी इंडस्ट्री का कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री दो तरह की होती हैं एक होती है बेसिक और की इंडस्ट्री और एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री अब ये बेसिक और की इंडस्ट्री क्या होती हैं दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग अब देखो यहाँ पर क्या है बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्ट uh, को एज अ रॉ मटेरियल ही मैनुफैक्चर करती हैं एज अ रॉ मटेरियल मैनुफैक्चर करती हैं मतलब उनके जो गुड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पे होते हैं ठीक है और रॉ मटेरियल के तौर पे इट मीन्स जैसे कि किसी ने आयरन की बड़ी बड़ी शीट्स निकाली तो वी कैन कॉल इट वॉट बेसिक और की इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी आयरन शीट्स निकालती हैं रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है जिन्हें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खरीद लेती हैं या बड़ी इंडस्ट्रीज भी खरीदती हैं तो वो बेसिक और की इंडस्ट्री बेसिक्स ऑफ रॉ मटेरियल क्रिएट करती हैं बाकी और इंडस्ट्री के लिए उन्होंने हम बेसिक और की इंडस्ट्री बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री बेसिकली वो डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स निकालते हैं जैसे शुगर हो गया टूथपेस्ट हो गया ठीक है पेपर हो गया स्विंग मशीन मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री से निकला और कंज्यूम कर लो ठीक है वो होता है अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे अगर हम बात करें तो वी हैव टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री एक होती है बेटा हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक होती है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल की अगर हम बात करें तो एज सच अगर मैं बात करूं तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का कॉन्सेप्ट पता है यहाँ पे ऐसे नहीं दे रखा हुआ है फिर भी आप जरा देख लो कैसे दे रखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इन्वेस्टिंग अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट एंड दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज वन इज जरूरी वन करोड़ इट मीन्स अब मेरी बात सुनो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वी हैव टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री एक होती है स्मॉल स्केल एक होती है लार्ज स्केल का नाम यहाँ पे नहीं दे रखा है लार्ज स्केल ठीक है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच द इन्वेस्टमेंट इज बिलो या लेस देन वन करोड़ ठीक है वो स्मॉल स्केल लार्ज स्केल इट मीन्स अबव वन करोड़ अबव वन करोड़ ठीक है इस चीज़ को याद रखना आगे हम बात करेंगे और कैसी और इंडस्ट्री हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बार पेपर में आता है हर बार ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट सेक्टर कॉपरेटिव सेक्टर ये याद रखना ओनरशिप हंड्रेड परसेंट पेपर में आएगा पब्लिक सेक्टर क्या होता है जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है जैसे भेल हो गया सेल हो गया भेल का होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बहुत जगह जगह आती हैं सेल हो गया हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राइट ये हमारा पब्लिक सेक्टर हो गया ना प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन बाय एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल जैसे हमारा टिस्को हो गया बजाज हो गया डाबर इंडस्ट्री हो गई रिलायंस हो गई राइट right? ये हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है तो प्राइवेट सेक्टर इट मीनस इंडिविजुअल सेक्टर जितने भी होते हैं वी कैन कॉल इट प्राइवेट सेक्टर फिर आता है हमारा जॉइंट सेक्टर जॉइंट सेक्टर क्या होता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कुछ लोगों इकट्ठा हुए उन्होंने अपनी फैक्ट्री या कुछ कंपनी खोल दिया राइट right? वो जॉइंट सेक्टर होता है ग्रुप में या अगर हम एक और बात करें कि जॉइंट सेक्टर में आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि गवर्नमेंट का भी कुछ हो और प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ लोग आ जाएँ तो मतलब जॉइंटली काम करें उसे भी हम जॉइंट सेक्टर जैसे ऑयल का बेस्ट एग्जाम्पल है बुक वाले एग्जाम्पल ही लिखना है बेटा अपने दिमाग से अगर आप बात करो कि आप इंडिविजुअल लिख दो कि पप्पू टेलर इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर नहीं ऐसा नहीं चलेगा ना टिस्को हो गया बजाज हो गया इस टाइप के एग्जाम्पल जो बुक में मैंशन है ना बच्चे वही लिखना इसके अलावा कुछ मत लिखना ठीक है फिर आता है हमारा कॉपरेटिव अच्छा कौ हाँ जॉइंट सेक्टर में आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल मेंशन कर लेना ठीक है इट्स इट्स ओन बाय द पब्लिक इन द प्राइवेट सेक्टर फिर आता है हमारा कॉपरेटिव सेक्टर कॉपरेटिव सेक्टर की बात करें तो ये ओन होते हैं या ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल जैसे हम अमूल की बात करें एट्थ क्लास में आप लोगों के टीचर्स वगैरह ने बताया होगा कि कॉपरेटिव क्या होते हैं जैसे अमूल की बात करें तो अमूल uh, पूरे गांव जो होता उनका आनंद जो uh, गांव होता महसाणा जो गांव है वहाँ के जितने भी लोग थे दूध वाले थे उन्होंने अपने गाँव के गाय के जितने भी दूध वगैरह या भैंसों के जितने भी दूध थे उनकी सप्लाई क्या करते हैं वो एक जगह यूनिट में जमा करते हैं अब वो क्या कर रहे हैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद देन वो फिर बाकी का फर्दर प्रोसेस होता है जितने भी अमूल डेयरी मदर डेयरी वीटा डेयरी जितनी भी हैं वहाँ पे ऐसे ही होता है जितने भी दूध होते हैं ना वो गांव से ही आते हैं वो कहीं ऐसा नहीं कि कहीं और से दूध एक्सट्रैक्ट किया जाता है गाँव से ही दूध आते हैं देन आगे का फैट को अलग किया जाता है घी को अलग किया जाता है एंड बाकी चीज़ों के साथ फिर वो प्रोडक्शन किया जाता है तो दैट वॉज अ पार्ट ऑफ अ कोपरेटिव सेक्टर कॉप्रेटिव सेक्टर में लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं डेयरी प्रोडक्ट्स वो आई जाएंगे डेयरी वाले शॉप मदर डेयरी वगैरह का नाम तो आएगा आएगा यहाँ पे कुछ नाम और इंपॉर्टेंट है और के रेशे होते है ना, खोपड़े नारियल हरे हरे नारियल उसमें जो रेशे आते हैं जो हम माता जी को चढ़ाते हैं वो रेशे को निकाल करके गद्दे वद्दों में या कुछ बाकी चीजों में यूज किया जाता है तो दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉपरेटिव सेक्टर द शुगर इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र कॉयर इंडस्ट्री ऑफ केरला दोनों याद रखना अच्छा ये लोग और क्या करते हैं ये बेसिकली अपने रिसोर्सेस को पूल करते हैं और शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को पूल मतलब शेयर करना ठीक है याद रखना अच्छा आगे हम बात करेंगे आ, हमने कर लिया ओनरशिप के अकॉर्डिंग ओनरशिप के अकॉर्डिंग के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे वेट एंड बल्किनेस के अकॉर्डिंग वी हैव टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री भाई जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी आयरन शीट्स निकल रही हैं बोल्ट निकल रहे हैं दैट अ पार्ट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत तगड़ तरीके से काम हो रहा है मोटी मोटी चीज़ों को निकाला जा रहा है लाइट इंडस्ट्री इट मीस जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गुड हो गया इंडस्ट्री हो गया छोटे छोटे स्क्रूज निकाले जा रहे हैं दटट आज अ पार्ट ऑफ द लाइट इंडस्ट्री तो यहाँ पे हमने क्लासीफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री कर लिया है एंड दीज चैप्टर्स या दीज पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री आज का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और कल हम करवाएंगे आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ये चैप्टर वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर को हम खत्म करेंगे कोशिश करूँगी ऑल दो मेरी वीडियोज़ हमेशा लेट आती हैं बट तो कोशिश करूँगी कि यहाँ पर मैं जल्दी ये चैप्टर ख़त्म करूँ थैंक यू